మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. రెగ్యులర్ నోటిఫికేషన్స్ కోసం బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ వైభవ్ అడ్వాన్స్ లెర్నింగ్. టుడే ఐ విల్ స్టడీ అబౌట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంప్లికేటెడ్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్. We can solve this type of circuit by using Kirchhoff's law or Kirchhoff's voltage law or Kirchhoff's current law or current distribution law or current voltage distribution law. हमारे कहने का मतलब है कि हम आज के वीडियो में हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिना किसी थ्योरम का यूज किए. ठीक है, हम इसके बाद जो वीडियो प्रोवाइड कराएंगे आपको उसमें मैं आपको थ्योरम बताऊंगा, लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस आपके सामने मैं लिखा हूँ इनको मैं लगवाऊंगा तब मैं थ्योरम का भी यूज करूंगा. यहाँ विदाउट यूजिंग थ्योरम इन तरह के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे. जब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा तब हम इस तरह के क्वेश्चंस के बारे में आपको हम बताएंगे. ठीक है, कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने दिए गए हैं. देखिए, यहाँ आपके सामने एक सर्किट दिया गया है, यहाँ टोटल करंट सोर्स दिखाया गया है आई एम्पियर का, और सारी बातें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं. यहाँ पे दो वोल्ट ये भी दिखाया गया है. ये पूछा जा रहा है कि टोटल सप्लाई करंट आई का मान क्या होगा. ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सोर्स करंट आई हियर. इस सर्किट में सोर्स करंट आई का टोटल मान क्या होगा, वी हैव टू डिटरमाइन इट टूडे. देखिए, हम इसको जो है कैसे डिटरमाइन करेंगे विदाउट यूजिंग थ्योरम मैं आपको बताता हूँ. देखिए, यहाँ आपको सीधे सीधे दो वोल्ट दिख रहा है ना, और दो ओम दिख रहा है, तो आप यहाँ पे सीधे आप करंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ करंट की वैल्यू आई बराबर वी अपान आर होता है, तो वी का मान दो है और रेजिस्टेंस का भी मान दो है, यानी कि एक एम्पियर की करंट यहाँ पर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है. आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, यू कैन डिटरमाइन वेरी इजिली. एक एम्पियर का करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है. ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए, आपको तो ये मालूम चल गया कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, एक एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है. इसको हम थोड़ा बड़ा में लिख देते हैं, कितना एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, एक एम्पियर का. ठीक है, अब ये तो हमको मालूम चल गया. हमें देखिए, हमारा उद्देश्य क्या है, एम क्या है, सोर्स करंट आई को मान निकालना. यहाँ चूंकि वोल्टेज और रेसिस्टेंस दोनों चीज़ें हमने देख लिया, तो टोटल कर इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट आई हमने क्या किया, निकाल दिया. तो ये आई करंट फ्लो होते होते यहाँ आएगा, आएगा ही, जाहिर सी बात है आएगा. इसमें से 2 एम्पियर करंट इधर फ्लो हो गया, इधर कितना होगा, आई माइनस 2 एम्पियर करंट फ्लो होगा. कितना होगा, जब यहाँ से आई आया, इसमें 2 एम्पियर इधर हो गया, तो कितना फ्लो हुआ, आई माइनस 2 एम्पियर करंट फ्लो हुआ. अब ये आई माइनस 2 यहां तक आया. अब देखिए, इस आई माइनस 2 में से 1 एम्पियर करंट इस ब्रांच में फ्लो हो गया. ठीक है, ये हमें मालूम चल गया कि 1 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो गया, तो जो बचा वो करंट इसमें फ्लो होगा. ठीक है, तो हमें यहां पे इस आई का वैल्यू निकालना है. तो आप ध्यान से देखिए हमारे इस ट्रिक को, कि मैं कौन सा ट्रिक यूज कर रहा हूं. यहाँ पे आपका टोटल करंट कितना दिया हुआ है, देखिए I माइनस 2 दिया हुआ है. ठीक है ना, क्या दिया हुआ है, I माइनस 2. यहाँ है आपका 1 ओम, और यहाँ कितना है, 1 ओम और 2 ओम, 2 और 1 3 ओम, कितना है 3 ओम. देखिए सीरीज में है ना, 2 और 1 कितना हो गया 3 ओम. इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ये आप जानते हैं. ठीक है, यू नो दैट 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन दिस ब्रांच. इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है. यहाँ टोटल करंट कितना है, आई माइनस 2 है. ठीक है, तो आप जो है काउंटर अटैक हियर करेंगे यहाँ पे. जैसे मैं बताया था कि अगर आपको यहाँ इस ब्रांच में करंट निकालना हो इस ब्रांच में, तो किस रेसिस्टेंस को ऊपर रखते हैं, इसको रखते हैं, और दोनों का एड कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं इस ब्रांच में करंट निकालने के लिए, और मल्टीप्लाई किस में करते हैं, टोटल करंट का करते हैं मल्टीप्लाई. तो किसमें इस ब्रांच में फ्लोइंग करंट निकलती है और इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 एम्पियर. बहुत आसानी से आपको मिल गया. ठीक है, कैसे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 आई माइनस 2, तो आई बराबर क्या हुआ, 4 प्लस 2 बराबर क्या हो गया, 6 एम्पियर. देखिए, एक लाइन का सवाल है बिल्कुल,
ये पूछा गया कहाँ, IES UPSC IES 2009 में। ये डिप्लोमा भी पूछा जा सकता है, ITI में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही कम टाइम टेकन का क्वेश्चन है। दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है बहुत कम टाइम का, ठीक है। आपको लगाने का तरीका मालूम होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से करेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से मैंने इसको निकाल दिया। अब यहाँ पर देखिए, मैं विदाउट करेंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हम वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट आई। अब यहाँ पे बिना हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बाय यूजिंग KVL, बाय यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम कैसे निकालेंगे, यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए कैसे निकलेगा। तो अब देखिए, मैं यहाँ तक बताया आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप दूसरे तरीके से, दूसरे मेथड से मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यही सवाल जो है मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, एक एम्पियर करंट तो इसमें फ्लो होगा ही होगा, ये तो आप जानते ही हैं, एक एम्पियर करंट यहाँ फ्लो होगा। और यहाँ तक आया कितना है, I-2 एम्पियर करंट। अब इसमें एक एम्पियर करंट इसमें फ्लो हुआ, एक एम्पियर करंट क्या हुआ इसमें भी फ्लो हुआ, ये तो हमको मालूम चल गया। अब इसमें कितना फ्लो हुआ ये हम जानना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, मान लीजिए इसमें एक एम्पियर करंट फ्लो हुआ, आप जान नहीं रहे कितना एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो इस नोड पे हम क्या करेंगे, इस नोड पे KCL लगा देंगे, किरचॉफ्स करंट ला। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जंक्शन की ओर जो करंट आ रही है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, और जंक्शन से दो दूर जा रही है उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। इनका पूरा एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा, ये तो हम किरचॉफ करंट लॉ में जानते हैं ना। तो अब यहाँ देखिए क्या हुआ, I-3 - X = 0, यानी कि X बराबर क्या हुआ, I-3 एम्पियर, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, I-3 एम्पियर। ये आप जान गए कि नहीं जान गए बताइए। आप ऐसे भी जा सकते हैं, जब I-2 में से I 1 एम्पियर करंट इधर फ्लो हुआ तो 1 इसमें माइनस करेंगे तो I-3 हो ही जाएगा। आप चाहे ऐसे लगाइए, चाहे अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है तो तुरंत लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मिल गया कि इस ब्रांच में अब I-3 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और इस ब्रांच में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्यों ना इसमें जो है किरचॉफ्स वोल्टेज ला लगा ही दें, ठीक है ना। जिधर भी चाहे इधर से लगावें, क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, सेम वैल्यू गेट करेंगे, कोई अंतर नहीं होगा उसमें, ठीक है। मैं ऐसे ही लगा देता हूँ, ठीक है। तो हम ऐसे लगा रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, तो 1 एम्पियर करंट 1 ओम में फ्लो होगी तो कितना होगा, 1 वोल्ट होगा, तो -1 वोल्ट आप लिखिए, चाहे ना लिखिए। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, तो क्या होगा, -2 वोल्ट होगा ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, क्योंकि करंट ऊपर से नीचे फ्लो हो रही है ना, और मेरा जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर है, यानी कि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर है, तो यहाँ पॉजिटिव होने के कारण ये वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा ये 1 I-3 = क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ 1 वोल्ट -2 यानी क्या हो गया, -3 + I-3 = 0, क्या होगा, I-6 = 0, तो I = क्या हो गया, 6 एम्पियर। देखिए कितना आसानी से यहाँ लिखेंगे, बाई यूजिंग KVL इन गिवन लूप, क्या लिखेंगे, बाई यूजिंग KVL इन गिवन लूप, आप ऐसे लिख सकते हैं, इस लूप में किरचॉफ्स वोल्टेज ला लगाने पर, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लगाइए चाहे आप क्लॉकवाइज लगाइए, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, इसी सर्किट को मैंने दो तरीके से बताया, दोनों तरीका बहुत ही आसान लगा। कौन सा तरीका आपको ज़्यादा आसान लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ, अब मैं दूसरा सवाल बताने जा रहा हूँ, उसको भी मैं दो मेथड से बताऊँगा, अब बहुत आसानी से आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन जेवी गुप्ता में देख लीजिए कि ये IES 2009 का क्वेश्चन है, जो बहुत एक लाइन में लगा है, ठीक है ना। तो बस अब आगे देखते हैं। हाँ तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यह भी है। इस क्वेश्चन में आपको इस I की वैल्यू को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। क्या करना है आपको, इस I की वैल्यू को डिटरमाइन करना है। देखिए कितनी आसानी से भी प्रश्न आपको सामने दिया गया है, कितनी आसानी सॉल्व होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये I की वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटरमाइन करना है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 1 एम्पियर का सोर्स लगा है और यहाँ तक 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है,
और यहाँ पे आई एम्पियर आ रहा है। अब इसमें कितना फ्लो हो रहा है, इस नोड पे हम जो है केसीएल यूज कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग केसीएल एट दिस नोड। जब इस नोड पे आप केसीएल अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, ये एक एम्पियर तो इसके ओर आ रही है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये दूर जा रही है तो माइनस हो जाएगा, ये और ये भी इसके पास आ रही है तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर जीरो। यानी कि एक्स को उधर भेज दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स बराबर वन प्लस आई। यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रही है, वन प्लस आई, ठीक है, दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा कन्फ्यूज ना होइएगा, ये आपका क्या है वन है, तो वन प्लस आई एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है, बस हो गया। जब हमें एक लूप में, जब हमें एक मेस में, यहाँ पे देखिए, जब हमें एक मेस में सारे ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट अगर मालूम चल गया, वोल्टेज अगर उसमें लिखा हुआ है, तो सिंपल सा हम केवीएल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम केवीएल यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें मालूम ही नहीं था कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, इस ब्रांच में, इसलिए नहीं यूज कर सकते थे। लेकिन यहाँ से हमने केसीएल यूज करके मालूम कर लिया कि इसमें वन प्लस आई करेंट फ्लो हो रही है, तो आप इसको चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में इसमें केवीएल यूज कर दीजिए, ठीक है। हमेशा हाई वोल्टेज के पॉजिटिव डायरेक्शन से करेंट को उठाते हैं, तो हम मान ली इसी में यूज कर दिए। यहाँ लिखेंगे यूजिंग केवीएल इन मेस फर्स्ट। क्या लिखेंगे, मेस फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसमें आप केवीएल यूज करिए, तो अब क्या है, यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ एट हो जाएगा, ठीक है, प्लस से निकल रहा है फिर करंट यहाँ पे, तो ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है, तो करंट क्या हो जाएगा, ये माइनस टू वन प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। अब फिर देखिए करंट यहाँ पे क्या प्लस है ना, तो यहाँ प्लस टू हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ से आपको आई का मान इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, ये दोनों एड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस टू, माइनस टू आई, हाँ प्लस एट टू कितना हो जाएगा, टेन इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आया, माइनस टू आई, और प्लस कितना आया, एट आया, बराबर जीरो, माइनस टू आई बराबर कितना आया, माइनस एट कट गया दोनों, आई बराबर क्या हुआ, एट बाई टू यानी फोर, कितना आया आपका, फोर एम्पियर आया। देखिए कितना आसानी से जो है केवीएल यूज करने से इस सर्किट में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया कि आई बराबर कितना है, फोर एम्पियर है, ठीक है ना। जब मैं आपको थ्योरम बताऊंगा तो आप देखिएगा इसी सारे प्रॉब्लम्स को आप थ्योरम से भी लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसान होगा, ठीक है। ये तो मेथड एक हो गया, अब दूसरा मेथड देखते हैं, सेकेंड मेथड, ठीक है, सारे क्वेश्चन को नहीं दो दो मेथड बताएंगे क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है कि अब देखिए इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज कितना है ये निकाल लें, ठीक है। देखिए ये 8 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई होगा ना, क्योंकि यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं लग रहा है, तो यही 8 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हो क्या रहा है कि ये जो माइनस है वो किससे कनेक्टेड है, प्लस से। तो जब माइनस और प्लस, जब ये माइनस टर्मिनल प्लस टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो हमेशा वोल्टेज आपस में ऐड हो जाते हैं, याद रखिएगा। अब याद करने का तरीका क्या है, हमेशा प्लस माइनस के बीच अट्रैक्शन होता है, तरीका है, तो तरीका आप यूज कर लीजिए, माइनस से क्या प्लस से कनेक्ट है ना, तो यहाँ 8 वोल्ट लाएंगे तो दोनों ऐड करेंगे तो ब्रांच का टोटल वोल्टेज आपको मिल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो देखिए इस ब्रांच में दोनों पॉइंट के क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना है, ये 8 और ये 2, तो 8 और 2 मिलके कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, और रेसिस्टेंस कितना है, 2। देखिए यहाँ पे वोल्टेज मिल गया, रेसिस्टेंस भी है 2 ओम, यानी कि यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो ये फ्लोइंग करंट इस ब्रांच में टोटल मिल गई आपको, और कितना करंट फ्लो हो रहा है, 1 प्लस आई, तो यहाँ पे ये कट गया, 5 आया, 5 बराबर क्या गया, 1 प्लस आई, तो यहाँ पे वन को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 5 माइनस वन, तो कितना हो गया आपका, 4 एम्पियर। तो चाहे आप इस विधि से लगाइए, चाहे आप इस विधि से लगाइए, आप कोई भी विधि आसानी से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और आपको आसानी से इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ आप देखिए, अब इस तरह से हमने एक क्वेश्चन को दो मेथड से आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिखा दिया, ठीक है। अगर कोई क्यूरी हो, कोई दिक्कत हो कहीं से, तो हमें बताइए, हो सकता है कहीं से मुझसे भी एरर हो सकता है, ऐसा नहीं है, कहीं मुझसे भी एरर हो सकता है, तो आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आपका काम है, अगर कहीं मेरे द्वारा भूल चूक हो गई तो आप हमें सजेस्ट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखिए और फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हमको तो लगता है हमने हर चीज़ बता दिया, लेकिन यहाँ देखिए, अगर
यहाँ पर वोल्टेज को एडेशन और सबेशन का क्या रूल है इसको हम एक मिनट में बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कब वोल्टेज को जोड़ते हैं, कब वोल्टेज को घटाते हैं, थोड़ा सा हम बेसिक पॉइंट को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से वोल्टेज का कनेक्शन है, इस तरह से ये आपका V1 है, ये आपका क्या है V2 है, और हमें जानना है कि इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज अब कितना होगा। ठीक है, ऐसे चेंज कर दिया हमारे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस कर दे, यहाँ प्लस माइनस कर दे, चाहे चेंज दोनों को करते रहे, तो हम टोटल वोल्टेज कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ इसका प्लस, इसके प्लस से जुड़ा है ना, और प्लस प्लस में क्या होता है, ये तरीका है, ये कोई रूल नहीं है, तरीका है याद करने का। प्लस प्लस में क्या होता है आपका रिपल्जन, तो ये दोनों दूर भागे यानी कि दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, V1 माइनस V2 हो जाएगा इन दोनों के क्रॉस टोटल वोल्टेज। इसको प्रूफ करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ प्रूफ भी दिखा देते हैं आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, आप मेरे चैनल से जुड़िए, आपको हर तरह का नॉलेज मिलेगा। यहाँ प्लस VA है, यहाँ पे मान लीजिए माइनस VA है, ठीक है, माइनस VB मान लीजिए यहाँ पे, क्योंकि दो टर्मिनल हैं तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, टर्मिनल तो प्लस माइनस होंगे ही। अब यहाँ आप लगा दीजिए किरचॉफ लॉ, KVL लगा लीजिए इसमें, ठीक है ना। ये मान लीजिए टोटल सर्किट जो है कनेक्ट है प्लस माइनस से, ठीक है, तो KVL जब इसमें आप लगाएंगे तो क्या होगा आपका VA प्लस होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस V1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस V2। देखिए ये प्लस टर्मिनल से निकल रहे हैं तो प्लस को यहाँ रखेंगे, निगेटिव से निकल रहे हैं ना करंट के डायरेक्शन में तो निगेटिव यहाँ रखेंगे, ठीक है। अब फिर क्या आ रहा है माइनस VB, तो यहाँ माइनस VB रखेंगे, बराबर क्या हो गया जीरो। तो यहाँ पे VA माइनस VB एक पास में रखिए, VA माइनस VB इसको उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ V2 है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका V1 हो जाएगा। तो यहाँ आप देखिए VA माइनस VB यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है। अब पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। तो यहाँ VA माइनस VB को इन दोनों के क्रॉस वोल्टेज कह देंगे VAB, तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1। तो आपने क्या देखा कि इन दोनों वोल्टेज को सब्ट्रैक्शन से ही इनके क्रॉस टोटल वोल्टेज फाइंड आउट हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से कहीं वोल्टेज अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो तो यहाँ इस रूल को जरूर ध्यान दे लीजिएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये माइनस किससे जुड़ा था, प्लस से जुड़ा था, जब ये माइनस प्लस से जुड़ा था तभी ना हमने 2 और 8 को ऐड कर लिया, तो यहाँ टोटल एक क्रॉस वोल्टेज 2 और 8 कितना हो गया 10 वोल्ट मिल गया। और रेसिस्टेंस है 2 यानी कि 5 एम्पियर करंट इसमें फ्लो हो रही है, तो 1 + i = 5, तो i बराबर क्या हो गया 4 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, इसमें हमें R की वैल्यू क्या करना है, डिटरमाइन करना है। वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R इन दिस गिवन सर्किट, ठीक, बाय यूजिंग KVL और एनी थ्योरम आर एनी रूल आर एनी मेथड्स यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ R इन दिस सर्किट। आप इस सर्किट में R का वैल्यू आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल रूल यूज करके मैं बता रहा हूँ कैसे R का मान निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पहले हम क्यों ना पहले इनका डायरेक्शन को हम वो रख दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 एम्पियर करेंट सोर्स है, यहाँ पे 2 एम्पियर आया है, 2 एम्पियर में 1 एम्पियर इधर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 एम्पियर इधर जाएगा। अब 2 एम्पियर में 1 एम्पियर वही गया इधर, तो 1 एम्पियर उधर जाएगा, नहीं जाएगा। अब इसका डायरेक्शन मैंने बताया था आई स्क्वायर रहा, मतलब आई या ड्रॉप का कैसे साइन जो है कन्वेंशन क्या होता है मैंने KVL में बता चुका है अच्छी तरीके से, आप उसको वीडियोज़ को देखिए वहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कैसे KVL यूज करके यहाँ साइन कन्वेंशन रखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा है, तो इंटर जो करेगा वो प्लस होगा, जहां से निकलेगा वो क्या हो गया माइनस हो, क्योंकि करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। तो यहां भी प्लस हो गया, यहां पे माइनस हो गया, ठीक है। तो ये फिक्स पोलैरिटी हो गई इनकी। अब हमारा डायरेक्शन अगर प्लस से ही ओर होगा, मतलब आपका लो से हाई होगा तब ये पॉजिटिव लेंगे, और जब हाई से लो होगा अगर मेरा मूवमेंट, इसको हम क्या लेंगे निगेटिव। अभी क्लियर कर देते हैं, दोनों मेथड से आपको क्लियर कर देते हैं। यहां पर देखिए ये प्लस है, यहां माइनस है, वोल्टेज प्लस से माइनस की ओर, हम करंट का डायरेक्शन इसमें मान लेते हैं आई, मानने का मतलब करंट हम मान लेते हैं आई से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, आई से हम मान लेते हैं, KVL यूज कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो हमें आर का मान निकालना ही है, तो हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, KVL यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ आप खुद देखिए कि हमें यहाँ आई को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितना करंट इसमें फ्लो हो रहा है ये तो हम देख ही ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ आई लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, जो वो हमें दिख रहा है कि एक एक एम्पियर ही करंट इसमें क्या हो रहे हैं, फ्लो हो रहे हैं। तो हमारा मोमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसे हैं चाह रहे हैं कि ऐसे जा रहे हैं,
ठीक है, पहले हम ऐसे देखते हैं, ठीक है, फिर ऐसे भी देख लेंगे। तो अगर हम ऐसे देख रहे हैं, अगर मेरा मूवमेंट ऐसे है, तो अगर इसमें हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो रेसिस्टेंस 12 है, करंट 1 है, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप 12 × 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मूवमेंट मेरा इधर से मतलब ऐसे है, ऐसे तो यहाँ हमने लो से हाई और गया ना, तो इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, मेरा मूवमेंट ऐसे ही मतलब हाई से लो की ओर है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो हाई से लो की ओर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब आउटपुट हमारा क्या टर्मिनल आ रहा है वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस है हाई से लो की ओर, तो 1 और R में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × R हो जाएगा। और यहाँ देखिए, यहाँ हम यहाँ हाई से लो की पोटेंशियल जा रहे हैं, निगेटिव पोटेंशियल से निकल रहे हैं ना, यहाँ पे -6 रख देंगे, वही 0 हो गया। ठीक है, 12 − R − 6 = 0, तो यहाँ पे क्या आया, R = 12 − 6, यानी कितना आया 6 वोल्ट। ठीक है, 6 ओम, सॉरी निषेचन की मात्रा क्या है, 6 ओम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, बहुत आसानी से ये निकल गया कि कितना ओम का ये क्या है, रेसिस्टेंस है। ठीक है, तो अब हम उल्टा चलते हैं। अब मान लीजिए कि हम जो है किधर चले थे, हम चले थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने मूवमेंट किया था, और हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करके देख रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन मूवमेंट। अब लिख सकते हैं कि हमारा जो दिशा है वह क्लॉकवाइज है, इसके लिए ये। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए देखिए कैसे सेम आंसर आता है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल के देखते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन में हम चल के देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो ध्यान से देखिए, जब हम यहाँ चल रहे हैं तो यहाँ क्या मिल रहा है, प्लस मिल रहा ना आउटपुट में, ऐसे हम बढ़ रहे हैं तो यहाँ प्लस मिल जाता है, प्लस लिख देंगे क्या, I × R, यानी कि 1 × R। ठीक है, तो वोल्टेज ही समेशन, मतलब वोल्टेज का ही एल्जेब्रिक सम 0 होना है, तो हमें वोल्टेज बनाने के लिए करंट में रेसिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना। फिर यहाँ आइए देखिए, प्लस माइनस, माइनस की ओर हम निकल रहे हैं ना, माइनस से निकल रहे हैं, हाई से लो की ओर जा रहे हैं, माइनस से निकल रहे हैं, तो यहाँ माइनस रख देंगे 12 × 1। ठीक है, अब देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे, अब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं, यानी कि +6 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ कितना आया, R − 12 + 6 = 0, यहाँ माइनस प्लस माइनस अधिक है तो क्या हो जाएगा, −6 = 0, R बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि दोनों विधि में से कोई भी विधि यूज कर लेंगे तो आपका रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। ठीक है ना, ये भी आपका UPSC IAS का क्वेश्चन है बहुत आसान, लेकिन थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम को मैं आपको सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में, आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है सर, ओके। हाँ, तो देखिए बच्चों, आपके सामने एक नया क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। इसमें आपको इस आई करंट की वैल्यू क्या करना, डिटरमाइन करना। हमको आपको 1 मिनट का समय दे देते हैं, आप इसको थोड़ा देख लीजिए, अगर आपसे लग जाए तो आप थोड़ा सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। ठीक है ना, 1 मिनट का समय आपको दे भी देते हैं। चलिए, आपका टाइम ओवर हुआ। यहाँ देखिए, यहाँ पे 60 वोल्ट दिया हुआ है, तो 60 वोल्ट इसके क्रॉस अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं लगा, तो टोटल 60 का 60 यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो 60 वोल्ट यहाँ अप्लाई होगा, 1 ओम का रेसिस्टेंस लगा है, यानी कि करंट जो फ्लो होगी वो क्या होगी, I = V/R, तो I = V कितना है, 60, R कितना है, 1, यानी कि 60 एम्पियर, यानी कि इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा आपका, 60 एम्पियर का करंट क्या होगा, फ्लो होगा। सेम यही प्रोसेस है, यहाँ 12 वोल्ट यहाँ अप्लाई होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, 12 एम्पियर का करंट फ्लो होगा, यहाँ I है, तो यही I यहाँ भी फ्लो होगा। ठीक है, तो जब 60 एम्पियर करंट फ्लो होगा, प्लस होगा ये माइनस, ये भी प्लस होगा, ये क्या होगा, माइनस, ये आपका क्या होगा, ये होगा क्या आपका माइनस, ये क्या होगा आपका प्लस, यहाँ पे ये क्या होगा प्लस, ये क्या होगा आपका माइनस। ठीक है, तो ये तो डायरेक्शन होगा ही होगा, अब मेरा मूवमेंट चाहे जैसे भी हो सेम आंसर आना है। ठीक है ना, तो मैं अपना मूवमेंट प्लस से माइनस की ओर करता हूँ, मतलब ऐसे करता हूँ, इसी डायरेक्शन में ही करता हूँ। ठीक है ना, इसमें हम KVL यूज करेंगे। ठीक है, इसको फर्स्ट लूप मानिए, इसको सेकेंड मेश, इसको थर्ड मेश, तो इस तरह से आप कह सकते हैं क्या कि बाय यूजिंग KVL इन सेकेंड मेश। ठीक है, यह कह सकते हैं सेकेंड मेश में KVL का प्रयोग करने पर। ठीक है ना, यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन सेकेंड मेस।
ठीक है ना, इस मेश में हम केवीएल यूज करेंगे। तो अब देखिए कैसे कर रहे हैं, प्लस है माइनस है, तो यहाँ निगेटिव टर्मिनल आ रहा है ना, यहाँ माइनस टू आई कर देंगे। फिर देखिए प्लस है माइनस निगेटिव आ रहा है ना, तो माइनस ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व होगा, ठीक है, ट्वेल्व इंटू वन ट्वेल्व होगा। यहाँ देखिए माइनस प्लस, तो यहाँ देखिए, तो हमने यहाँ गलत लगा दिया ना सिंबल, क्योंकि करंट हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होती है। तो क्या हो गया, माइनस टू आई आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। अब फिर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो प्लस की ओर जा रहा है ना, ऐसे देखिए, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा 60 इंटू वन, तो क्या हो गया प्लस 60 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। हमने केवीएल का यूज किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, माइनस फोर आई मिला। इन दोनों को माइनस प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 48 होगा, प्लस 48 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो यहाँ पे माइनस फोर आई, इसको 48 को उधर करेंगे तो माइनस 48 ये कट गया, टाइबर क्या होगा 48 अपॉन 4, यानी कि यहाँ पे 1 और 4 कितना है 12 एम्पियर। तो यहाँ आपने क्या देखा, आई की वैल्यू कितनी मिली आपको, 12 एम्पियर मिली, ठीक है ना। इस तरह से बहुत आसानी से इस सर्किट में आई एम्पियर का करेंट आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब देखते हैं, देखिए बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन रखा गया है, इस क्वेश्चन को आपको हल करना है, ठीक है। आई वन और आई टू का मान निकालना है, ठीक है। तो आप थ्योरम का यूज करके तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमें विदाउट यूजिंग थ्योरम हमें इस नेटवर्क को सॉल्व करना है, ठीक है। आई वन और आई टू का क्या करना है, वैल्यू निकालना है। देखिए जब दो मेस के बीच एक करेंट सोर्स लगाया जाए, ठीक है, तो यहाँ हम सुपर मेस, यहाँ पर हम जो है सुपर मेस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं हम, यहाँ पे सुपर मेस प्रॉपर्टी का यूज बहुत ही आसानी से यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, ठीक है। देखिए कैसे सुपर मेस प्रॉपर्टी क्या होती है, हम पूरे में किरचॉफ लॉ लगा देंगे, ठीक है ना, पूरे में क्या लगा देंगे, किरचॉफ लॉ लगा देंगे यहाँ पे। देखिए लेकिन जिस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन हम लगा रहे हैं तो यहाँ 40 पॉजिटिव, तो यहाँ 40 हम पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बाई यूजिंग सुपर मेस प्रॉपर्टी, सुपर मेस प्रॉपर्टी। ये कब लगती है, जब दो मेस के बीच एक सोर्स दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर 40 हो गया, क्या हो गया, माइनस टू आई वन हो गया, ठीक है। अब फिर यहाँ पे देखिए आई टू फ्लो हो रही है ना, तो माइनस यहाँ पे क्या हो गया, आई टू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस फोर आई टू हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, माइनस थ्री आई वन हो गया, ठीक है ना। बराबर क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है। देखिए समझ में आया, अच्छे से समझ में आया। देखिए हम पूरे में लगाए हैं लेकिन जिस ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रही है उससे ही हमने रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, यही बताता है ये रूल। तो यहाँ 40 हो गया, यहाँ पे 2i1 या 3 पे i1, तो क्या हो जाएगा, माइनस 5i1 i2 और माइनस 4i2 माइनस 5i2 बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहाँ 40 बराबर क्या हो जाएगा, 5i1 प्लस i2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, i1 प्लस i2 इज इक्वल टू कितना होगा, 40 अपॉन 5, तो क्या हो जाएगा, 8। तो क्या हो गया यहाँ पे, 8 हो गया, यानी कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 हो गया। तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, ठीक है। क्या इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आया कैसे, बाय यूजिंग सुपर मेश प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब इस तरह से अब इस पॉइंट पे KCL लगा दीजिए, मान लीजिए पॉइंट ये है, पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो लिख दीजिए अप्लाइंग KCL, यहाँ पे लिख दीजिए अप्लाइंग KCL एट द पॉइंट ऑफ बी, ठीक है। हमने बी पॉइंट पर KCL लगा दिया, तो जो करंट आ रही है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और जो करंट ए बी, देखिए ये I1 यहाँ पे आ रही है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 4 एम्पियर करंट यहाँ पे आ रही है ना, तो 4 भी पॉजिटिव होगा। ये I1 भी इधर की ओर ही आ रही है, देखिए I1 तो भी पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे जो I2 है यहाँ से दूर जा रही है, तो क्या हो जाएगा, माइनस I2 बराबर जीरो। तो यहाँ पे I1 माइनस I2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 4। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड है, अब यहाँ लिखेंगे बाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन एंड
टू फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो यहाँ वन एंड टू को अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू एट, यहाँ पे क्या हुआ आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू माइनस फोर। अब यहाँ क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तभी ना एक वेरिएबल कट होगा, तो इनको ऐड कर दिए बाय एडिंग लिख दिए यहाँ पे एडिंग क्वेश्चन वन एंड टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टू आई वन, तो यहाँ पे क्या मिला एट में से फोर, क्या हो जाएगा फोर। इस तरह से आपने क्या देखा आई वन बराबर क्या निकला आपको फोर अपान टू यानी कि टू एम्पियर। ठीक है, इस तरह से आई वन टू एम्पियर हो गया, तो आई टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे आई वन टू एम्पियर पुट करिए तो आई टू कितना हो जाएगा सिक्स। तो यहाँ पे आई वन क्या पुट करेंगे टू एम्पियर, यहाँ टू एम्पियर पुट करेंगे तो वहाँ कितना हो जाएगा एट माइनस टू कितना हो गया सिक्स एम्पियर। इस प्रकार से आपने आई वन आई टू का मान निकाल दिया बाई यूजिंग सुपर मेश प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आप थ्योरम लगा कर और आसानी से लगा सकते थे। ठीक है, जब थ्योरम समझाएंगे तब मैं बताऊंगा थ्योरम का यूज करके कैसे आप और आसानी से इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अब हम इसको रिमूव करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, दो तरह का सर्किट आपको दिया गया है, इन दोनों सर्किट को आपको क्या करना है सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इसमें आपको Vx निकालना है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, और इसमें आपको इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट निकालना है। निकाल लीजिए करंट, बहुत आसान है, आप देखिए कि भी आप यूज करिए, आप कोई अगर जानकारी हो सुपर पोजिशन की तो यूज करिए, बहुत जल्दी बहुत आसानी से फाइंड आउट हो गया। लेकिन हमें सुपर पोजिशन नहीं यूज करना है, अगर हमको साधारण सर्किट ही तैयार है तो हम कैसे हम यूज करेंगे। ठीक है, साधारण ऋण ही अगर हमको मालूम है तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है ना, तो देखिए बहुत आसान है, तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है Vx निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में क्या दिख रहा है रेजिस्टेंस दिख रहा है। जहाँ इस तरह का कंडीशन हो वहाँ हम सोर्स कन्वर्जन का यूज करते हैं, साधारण तरीके से अगर सॉल्व करना हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे सोर्स कन्वर्जन अगर हम यूज करें तो कितना एम्पियर करंट यहाँ पे हो जाएगा 8 एम्पियर, क्योंकि I बराबर V अपन R, तो कितना एम्पियर करंट हो जाएगा बाबू, इसको आप दो ही रखिए, दो ओम यहाँ हमको निकालना ही है, ये आपका 3 है और यहाँ आपका कितना है 10 है, 10 ही रखिए। अब ये रेसिस्टेंस पैरेलल में आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, और इसी के पैरेलल में यहाँ पे करंट सोर्स आ जाएंगे। मैं सोर्स कन्वर्जन अच्छे तरीके से बताया, आप वहाँ जाकर देखिएगा यहाँ पे कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, देखिए कितना आसान है, कितना बढ़िया से मैंने इसको बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए 10 और 8 दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कोई रेसिस्टेंस बीच में ऐड नहीं है, हम इसको डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। ठीक है ना, तो हमको मिलेगा क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमको मिलेगा क्या, यहाँ पे हो गया आपका कितना 2, यहाँ पे मिला क्या आपको, क्या मिला 3। ठीक है, और यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे तो यहाँ 10 और 8 क्या हो गया 18, तो यहाँ पे क्या हो गया आपको 18, यहाँ पे करंट कितना हो गया आपका 18 हो गया, ये आपका कितना 5। अब हमें इसमें वोल्टेज निकालना था इसके क्रॉस, तो करंट हमको अगर मालूम चल जाए तो वोल्टेज तो बहुत आसानी से निकाल ही सकते हैं हम। तो 18 एम्पियर करंट है यहाँ पे आया है, 18 एम्पियर कितना 18 एम्पियर करंट यहाँ पे आया है। और देखिए ये तो ये भी तो 3 × 2 = 5, यहाँ भी 3 + 2 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, यहाँ भी 5 ओम, दोनों ओर क्या है 5 ओम है ना, दोनों ओर यहाँ भी 5 ओम है, यहाँ भी 5 ओम है, तो 18 एम्पियर करंट टोटल है। तो जाहिर सी बात है कि आधा आधा करंट फ्लो होगा, इसमें 9 एम्पियर, इसमें 9 एम्पियर, क्योंकि दोनों का रेसिस्टेंस क्या है सेम है, तो 9 एम्पियर करंट अगर इसमें फ्लो होगा 9 एम्पियर, तो फ्लो होते होते ही यहाँ भी कितना जाएगा 9 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 9 × 2 यानी कि 18 वोल्ट हो जाएगा। देखिए ये भी तरीका आसानी से है, आसान तरीके से भी आप इसको क्या कर सकते हैं सॉल्व। ऐसे सर्किट देखेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस अच्छी है तो सर्किट देखते मन में ही कैलकुलेशन करके आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन IES के हैं, आपको विश्वास नहीं है तो आप जेबी गुप्ता किताब खोल करके देख लीजिए, सारे क्वेश्चन IES के यहाँ सॉल्व किए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो है एक एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन देखने में कॉम्प्लिकेटेड है, आप इसको बस आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, अभी तो और इजी होगा, जब थ्योरम के थ्रू हम इसको सॉल्व करेंगे तब तो और ही आसान हो जाएगा, आप बस एक ही लाइन में एक ही झटके में आंसर निकाल लेंगे। ठीक है ना, बशर्ते आप कंटिन्यू बने रहिए। तो यहाँ हमने इस सर्किट को सॉल्व किया आसानी से, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए एक क्वेश्चन है,
ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट आप अगले वीडियो में देखिएगा। ये क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवा रहे हैं। इस पर्टिकुलर ब्रांच में करंट आई की वैल्यू हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आई का मान हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक सोर्स यहाँ दिख रहा है ना, तो आप सीधे यहाँ देखिए वोल्टेज के सोर्स के सीरीज में रेसिस्टेंस है, डायरेक्ट उसको करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, कोई मैटर नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हमने सीधे करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, तो आई बराबर वी अपान आर यानी कि 4/3 हो जाएगा, 4/3 एम्पियर हो जाएगा। और रेसिस्टेंस कितना होगा, पैरेलली कनेक्ट होता है, ये हम सोर्स कन्वर्जन में अच्छे तरीके से बताई दिए हैं। यहाँ पे कितना है, एक है, और यहाँ पे करंट सोर्स कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक है ना। अब 1 एम्पियर यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो कितना होगा, 4/3 या प्लस 1 कितना होगा, 7/3 हो जाएगा, ठीक है। 7/3 होगा ना, यानी कि टोटल करंट कन्वर्जन कितना हुआ यहाँ पे, 7/3 एम्पियर टोटल करंट सोर्स हो गया, ठीक है। और इन दोनों रेसिस्टेंस को हम पैरेलली कनेक्ट कर ही देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका 3, यहाँ पर आपका कितना है, 1। अब करेंट डिस्ट्रीब्यूशन ला लगा दीजिए, या फिर इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल के लगा दीजिए, किसी भी मेथड से लगाएंगे आंसर सेम मिलेगा। अब हमको इस ब्रांच में करंट निकालना है ना, इस 3 को हम क्या करेंगे, इसको I1 हमें निकालना है, और इस करंट को इसमें फ्लो होने वाली करंट I1 हमें निकालना है, इसमें करंट निकालना है, तो इसको हम ऊपर कर देंगे, दोनों का एड नीचे कर देंगे, और फिर टोटल सप्लाई करंट जितना है 7/3 उसका हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, तो 7/4 एम्पियर। तो इस तरह से I1 का मान बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। क्या किया है हमने, केवल सोर्स कन्वर्जन किया, जैसे सोर्स कन्वर्जन किया तुरंत हमें आंसर गेन हो गया। अब हमें अगर हम थ्योरम यूज करते हैं तो वो आपके वो मेंटली पर डिपेंड करता है, मेंटल सिस्टम पर डिपेंड करता है कि थ्योरम आप इजी से लगा सकते हैं कि विदाउट यूजिंग थ्योरम आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका बताया जाएगा, तो यहाँ समझिए। अगर देखिए, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो, हमारी वीडियो आपको समझ में आ रही हो, तो इसको ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, यही हमारा आपसे क्या है, उम्मीद है, ठीक है ना। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप बस इतना ही करिए, हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है। इन्हीं के साथ हमारी आज का वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।